अजमेर में आज आए 11 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने। अजमेर से अलग अलग जगहों से सामने आए कोरोना पॉजिटिव मामले, डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने की पुष्टि। जेएनएन हॉस्पिटल की जहाँ तक बात कर रहे हैं, अभी हमारे पास में एक्सपेक्टेड 11 पेशेंट उम्मीद है कि पॉजिटिव नए भर्ती होंगे। हालांकि जिले में संख्या ज़्यादा है क्योंकि कुछ लोग किशनगढ़ के भी पॉजिटिव हैं और अभी तक के प्रोटोकॉल के हिसाब से किशनगढ़ के पेशेंट किशनगढ़ ही भर्ती होते हैं अगर वो सीरियस नहीं होते हैं तो। इसके अलावा नसीराबाद के पेशेंट हमारे पास आएंगे जो कि एक पति पत्नी है। अजमेर में प्रॉपर में भी एक पति पत्नी अशोक विहार कॉलोनी के हैं, एक पेशेंट पुष्कर रोड निवासी हैं, एक पेशेंट बाबू मोहल्ला निवासी हैं, एक पेशेंट पुष्कर के निवासी हैं, एक पेशेंट अड़का गांव के निवासी हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के 11 पेशेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में हमारे पास भर्ती हो जाएंगे जेएलएन हॉस्पिटल में। इन 11 के अलावा हमारे पास पहले से भी 30 पेशेंट भर्ती हैं पॉजिटिव वार्ड में। अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक पेशेंट अभी भी वेंटिलेटर पर हैं, उनकी हालत में कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। दो पेशेंट बाईपैप पर हैं और 5 पेशेंटों को ऑक्सीजन दे रहे हैं हम लोग। सस्पेक्ट वार्ड में भी हमारे पास में 41 के आसपास पेशेंट भर्ती हैं जिनमें से 2 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बाईपैप मशीन वाले पेशेंट हम सीरियस कंसीडर करते हैं। इसके अलावा हम करीब 16 पेशेंट कोविड केयर सेंटर में उनके लगभग लक्षण रहित होने के आधार पर सेंटर में रेफ़र कर चुके हैं। और जो पुरानी जो डेथ है उनके अलावा तो अभी हमारे पास में सीरियस पेशेंट एक है, नया पेशेंट कोई हमें ऐसा लगता नहीं है कि किसी को कोई नुकसान होने की अभी ताज़ा संभावना है। बारिश का एहसास देखिए, अभी तक कोरोना के जो वायरस के बारे में बहुत जो चर्चाएं चल रही हैं ऐसा कोई बहुत फिक्स नहीं है कि बरसात से वायरस की संभावना बढ़ जाएगी या फिर गर्मी से संभावना कम हो जाएगी। हमारे जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो डेटा अवेलेबल हैं इसमें टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट वायरस पर देखा नहीं गया। जो बहुत ठंडे मुल्क हैं उनमें भी वायरस उतनी तेज़ी से फैल रहा है और जो ऑस्ट्रेलिया जैसे गर्म मुल्क हैं वहाँ पर भी वायरस फैल रहा है। और हमने देखा पिछले दिनों काफ़ी गर्मी थी, काफ़ी उमस थी, लेकिन वायरस की फैलने की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई। बरसात से ऐसा थोड़ा संभव है कि हल्की बरसात से वायरस फैल सकता है, लेकिन इससे बरसात के अलावा दूसरी बीमारियों वायरस के अलावा दूसरी बीमारियों की संभावना ज़्यादा होगी अगर लोग साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, सैनिटेशन का ध्यान नहीं रखेंगे तो।